पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, चल जे है भी है तो की मैं तेरी नहीं। सो ये यूनिवर्सिटी ते थोड़ा जा शेर जिहड़ा प्यार दा सी ते ला दिता है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लैनी, जो अलॉटमेंट हुई है उहदे विच हजे गड़बड़ चल रही है। पहली गल ही दसवां गड़बड़ की है कि कॉलेज अलॉटमेंट जो हो चुकी है उहदे विच, क्योंकि तुसी कॉलेज लॉग इन करके ये जो है ना इत्थे पी आई पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लॉग इन है ना, ये करके तुसी कॉलेज दा जिहड़ा रिजल्ट है वह नहीं देख सकते, तुसी अपना इंडिविजुअल दा रिजल्ट देख सकते हो। ये गल है इंडिविजुअल दे रिजल्ट ते कॉलेज दे रिजल्ट विच कंपैरिजन कीता है। कॉलेज नू बच्चे अलॉट होए हन, मैं दिखा भी दिना हाँ जां नैक्सट वीडियो च दस दिना हाँ, पर सेम बच्चे दा लॉगिन जो पासवर्ड फिल करके देखा जाता है जां मैनू फोन आए ने तो वह कहिंदे ब्लैंक आ रहा है, तो घबराना नहीं है। मैं कुछ भी ना दस के सब तो पहली गल ये दस रहा हाँ, जल्दी वीडियो इसे लिए पा रहा हाँ कि टेंशन नहीं लैनी, कुछ गड़बड़ है वो यूनिवर्सिटी लैवल पर है, एडे वे लैवल का काम हों हो जाता है, वह सवेर तक ठीक हो जाएगा। दूसरी गलती गल की है, इंपॉर्टेंट है कि जेडे प्रेफरेंस तुसी फिल की सी उस प्रेफरेंस विच तुहाडा नाम सॉरी जिस कॉलेज विच तुहाडा नाम आया होएगा उत्थे तुहाडा फोन नंबर ईमेल तुहाडी फुल डिटेल आ चुकी है। उस कॉलेज दे कल सवेरे 9 बजे वो भी तैयारी करी बैठे हैं कि सवेरे जाके असीं तुहानूं फोन करिए। सो सवेरे तुहानूं फोन आनगे, उन्हां दी टेंशन खत्म हो जाएगी कि उन्हां नूं पता लग जाएगा कि किहड़े कॉलेज विच सानूं अलॉटमेंट सीट होई हुई है। इस तो इलावा जिन्हां दे ब्लैंक ने लेकिन वो कॉलेज लिस्ट विच है तां वी घबराउण दी जरूरत नहीं है। दूसरा है कि यूनिवर्सिटी जद तक सवेर तक जां कल दोपहर तक उसनूं सैट कर देगी, अदरवाइज नहीं सवेर तक वो ये सैट हो जाएगा। तुसीं की कर सकते हो, ये तो पता ही है पंजाब बीएड एडमिशन एट डॉट gndu.ac.in ते जाके वैबसाइट खोल के एक कट ऑफ है। कट ऑफ की है, लास्ट रैंक कितने गया है, लास्ट रैंक सो ये है लास्ट रैंक कितने गया है जिसनों असी कट ऑफ कह दें हाँ, कॉलेज का नाम होएगा। हुण तुसी की करना है कि एक कट ऑफ देख सकते हो, अपने कॉलेज का नाम कड्डो जिहड़े कॉलेज तुसी फर्स्ट प्रेफरेंस भरी सी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रेफरेंस मैं इनोसेंट हार्ट्स भरी सी है ना, और दूसरी प्रेफरेंस मान लो मैं MGN भरी सी जलंधर, मान लो कोई भी कॉलेज का नाम है। तीसरी प्रेफरेंस मैं खालसा कॉलेज ओके भरी सी। सो ये प्रेफरेंस थोड़े को 1, 2, 3 आ गई। करना है पहली प्रेफरेंस जिथे भरी सी इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उत्थे जाके तुसी पहला देखो कि आई फॉर अल्फाबैटिकली ये लगे ने, डी पहला आ रहा है के आ रहा है, नहीं मेरे ख्याल च नहीं अल्फाबैटिकली नहीं है, यूनिवर्सिटी वाइज है। तुसी इस तरह करके अपना इनोसेंट हार्ट्स पहला देखो, उत्थे सीट अलॉट हुई है ये देखना है। तुसी इस तरह सर्च कर सकते हो, जस्ट इत्थे ये जिहड़ा बनिया होया है, मेरे तो इत्थे भी ये बनिया होया है, मैं क्लिक किया ये देखो लेंस वाला आ गया, लेंस वाले ये लेंस वाले नू लेंस नू क्लिक किया, इत्थे आई प्लेस्ड क्लिक किया, कीबोर्ड आ गया मेरे इस तरह है, तुहाडे फोन जां जिथे कुछ खोलदे उत्थे देख सकते हो। इत्थे मैं इनोसेंट फिल किया और मैं इत्थे आ गया इनोसेंट हार्ट्स है ना, पहला कॉलेज है, जल्दी इस तरह लभ्या जा सकता है। सो इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज विच कॉमर्स मान लो मेरा है, जनरल कैटागरी है, 95 ते लास्ट सीट गई है, 3 सीटा फिल हुई हैं। हुण जे तुहाडा 94 है इट मीनस तुहानू एक कॉलेज नहीं अगला कॉलेज मिलिया होएगा, जे तुहाडा 96 है इट मीनस तुहानू इत्थे सीट मिली है, इस नाल तुहानू तसल्ली हो जाएगी कि मैनू सीट इत्थे मिली हुई है। अपने कॉम्बीनेशन विच कॉम्बीनेशन देखना है, सब्जेक्ट मेजर देखना है, कैटेगरी देखनी है, सीट अलॉट किनिया हुई हैं ये देखना है, इस विच बाकी सीटा खाली हैं और किन्ना लास्ट रैंक गया है ना। सो कंप्यूटर साइंस है, जनरल है, 2 सीटा 90 मार्क्स गए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन जनरल 1 सीट 74 है। हुण देखो इत्थे भी गड़बड़ है, ध्यान देखो
ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਦੀ 74 ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ इकोनॉमिक्स है जनरल है 193 ते गई है बस तुसी ये देखना है कि मेरे हुण इत्थे भी प्रॉब्लम है दैट इज़ वाई तुसी फिर भी घबराना नहीं है मैं मूवी सिर्फ एक करण करके बना रहा है आराम ना सोना है परमात्मा की जिंदगी है सब कुछ कल तक क्लीयर हो जाना है इस टेक्निकल गलती है गलती भी नहीं है टाइम लगेगा ठीक हो जाएगा और नहीं भी सीट अलॉट हुई तो नैक्सट विच अलॉट हो जाएगी है ना थर्ड विच भी अलॉट हो जाएगी मैं किसी भी तरह ना हर हालत से कह रहा हाँ किसी भी तरह टेंशन की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है सो अपना तुसी कॉम्बीनेशन देखो मेजर सब्जेक्ट देखो देखने तो बाद कैटेगरी देखो कैटेगरी हो सकता है कि जनरल जनरल जो इस तरह लिखा है तुसी सारियां देख लो कि लास्ट ते गई है तुहानू ये पता लग जाएगा कि तुसी उस विच आंदे हो कि नहीं हो अदरवाइज 9 बजे सवेरे अपना फोन ऑन रखो फोन तुहानू आए मिनट च आ जाने हैं साइंस की देखो जनरल की 2 सीटा गई 115 लास्ट गई है वेरी गुड साइंस कैंडिडेट अगे चल रहे हैं मैनू टॉपर मिल गया एक अच्छा तो ये सारी डिस्क्रिप्शन है अपना मेजर सब्जेक्ट देख के कैटेगरी देख के नंबर ऑफ सीट देख के लास्ट देख के तुसी संतुष्ट हो सकते हो मान लो पहले विच नहीं आई मेरा कॉमर्स विच जनरल विच है 109 इत्थे लास्ट सीट गई है और मेरे 108 स्कोर है तो मैं दूसरी कैटेगरी जिहड़ी फिल की है वो MGN है मैं इत्थे MGN फिल किया ओके MGN फिल करन दे नाल मेरे को MGN कॉलेज सामने आ गया टाइम बच गया और MGN कॉलेज ए कमर्स जनरल 1091 ते ये गई हैं मान लो मैं साइंस की देखनी है हुण तुसी अपना अपना कंपेयर करोगे साइंस दी लास्ट उत्थे गई है 101 है ना MGN थोड़ी जी पिछे गई है उधर 105 सी कि 15 सी शायद सो जे उत्थे सीट नहीं मिली इत्थे ज़्यादा डाउन गई है ये भी हो सकता है क्योंकि इत्थे सीट्स ज़्यादा ने दैट इज़ वाई थले गई हैं सो इत्थे मिलन की संभावना हो सकती है मान लो इत्थे 101 नहीं तुहाडे 98 स्कोर है 101 ते लास्ट गई है सीट तीजी प्रैफरेंस जो फिल की सी खालसा कॉलेज फिर तुसी वो देख लोगे ठीक ए सी के प्रोसीजर उस कॉलेज का जिथे जिथे तुसी प्रेफरेंस फिल की सी उसनू देखने का ये देखना ही पैना है तां तुहानू नींद अच्छी आ जाएगी इस तो बिना इस तो भी पहला तसली जो हो जानी है तुसी की करना है कैंडिडेट लॉगिन है अपना ईमेल पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके तुहाडा रिजल्ट आ जाएगा जेकर ब्लैंक आंदा है तो यह गल्लां पहलां दसियां हन जे ब्लैंक आंदा है तो घबराना नहीं है अजिहे केस मेरे कोल हन तो ये कॉलेज की लिस्ट है ये आपके पास नहीं होगी कॉलेज की लिस्ट है कॉलेज की लिस्ट में आपका सीरियल नंबर है रजिस्ट्रेशन आईडी है एप्लीकेशन आईडी है रोल नंबर है कैंडिडेट नेम है जेंडर है फादर नेम है मोबाइल नंबर है ईडी ईमेल आईडी है टोटल मार्क्स है मेजर सब्जेक्ट जो अलॉट किया है वो है कोटा है अलॉटेड कैटेगरी है अलॉटेड सब कैटेगरी है अगर कोई है एडमिशन स्टेटस है एडमिट कैंडिडेट प्रिंटेड प्रिंट एडमिशन स्लिप ओके तो ये अवेलेबल है अभी इसी लिस्ट में ये जो कॉलेज हैं इनमें किसी का वैसे ऐसे नहीं बता सकता मैं क्योंकि एक बच्चा है दो बच्चे हैं तीन बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर अलॉटेड है लेकिन जब वो इंडिविजुअल लॉगिन पासवर्ड फिल करके अपना रिजल्ट देखते हैं तो ब्लैंक आ रहा है ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इनके पास लिस्ट आ गई है और आपका फ़ोन नंबर भी आ गया है तो ये सुबह तक आपको फ़ोन पक्का कर देंगे तो दूसरा आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो ये तो टेंशन है इस तो इलावा कई दी ये टेंशन होएगी उन्होंने सचमुच अलॉट नहीं होया कारण यह है कि मैरिट जो है नीचे वाले रैंक वाले नु हो सकता है नहीं अलॉट होया होएगा एक होर गल कि एक दो तीन कॉलेजों की असैसमेंट तो यह दस रहा हाँ फॉर एग्जाम्पल जे किसी कॉलेज दियाँ 44 सीट्स ने जा मैनेजमेंट कोटा कढ़ के 13% जिन्हिया 100 सीट्स बचदिया ने उन्होंने जे मनीए तो 60-70% सीट्स अलॉट हुई पर मैं ये नहीं कह सकता कि हर कॉलेज में 60-70% अलॉट हो गई है मैं दो तीन कॉलेजों के आधार पर जिन्हों का डाटा मेरे को है कह सकता हाँ इट मीनस जिन्हों बच्चों ने
मान लो एक रैंक ही भरिया इतने दसदा जिन्ह ने सिर्फ एक ही रैंक भरिया कि मैं जी गवर्नमेंट कॉलेज लैनी है, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ही सिर्फ इतने लिखा से। चलो इधर दोबारा करके कर दें हाँ कि बाकी दियाँ 10 तक कोई नहीं भरी, सिर्फ इतने गवर्नमेंट कॉलेज एक प्रैफर किया, अपने नज़दीक का कोई होर कॉलेज प्रैफर किया और उन्होंने मैरिट उस कैटागरी के कोटे की थोड़ी डाउन सी तो उत्थे नॉट अलॉटड आ सकता है। उत्थे उन्होंने तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने एक ही भरिया है ना, तो नैचुरली है कि वह सैकेंड काउंसलिंग होर कॉलेज की भर के पता लग जाएगा कि उन्होंने कितने मिलती है। हुणे मेरे इस वीडियो बनाते बनाते एक लड़की के 109 नंबर ने उन्होंने गुरदासपुर के जेस टैगोर कॉलेज जिथे भरिया तो उसकी कट ऑफ उन्होंने देखी है कि 64 है, मेरे मार्क्स 109 है तो मैनू सीट अलॉट नहीं हुई। सो घबराना नहीं है अजिहे केस में, जे तो 64 ते गई है तो 109 हैं, इट मीनस तो मिली हुई है क्योंकि ये जी मैं जिस तरह दिखाई है कॉलेज वाली लिस्ट तुहाडे कोल नहीं है, असल विच ये कॉलेज वाली लिस्ट सही है। कॉलेज वाली लिस्ट विच ये गलतियां बेशक ये है गलतियां, जिवें दसा कि जनरल कैटेगरी लिखा है उत्थे बीसी आना सी किते एससी आना सी, ये करैक्शन भी कल तक हो जाएगी, पर तुहाडी किसी भी हालत विच घबराउण दी जरूरत नहीं बनती। तुसी सिर्फ कोई क्वेश्चन है इमीडिएट मैनू कर सकते हो, मैं वीडियो इन्ना खत्म करके तुहानूं भेज रहा हाँ। सो तुसी लॉगिन करके अपना देखो, जिहड़े जिन्हों का मनपसंद मिल गया है वह वैसे सौन, जिन्हों मनपसंद कॉलेज के सब्जेक्ट या कुछ नहीं मिलिया जां कोई क्वेश्चन है वह भरोसा करके उस एनर्जी ते भरोसा करके जां थोड़ी एक्सपर्ट दी जे 20 साल पढ़ाउण दा तजर्बा है उस दे बेस ते तुसी आराम नाल सौवो, कल सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तुहानूं फोन भी आ जाएंगे। थैंक यू।